कलेक्टर का बड़ा एक्शन, पंचायत संबंधित कार्यों के मामले में प्राइवेट इंजीनियरों के यहां दो जगह छापामार कार्यवाही, दस्तावेज जब्त। शिवपुर में कलेक्टर का एक्शन लगातार जारी है। कलेक्टर ने टीम गठित कर दो जगह छापेमार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान पंचायत संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दो टीमों द्वारा शिवपुर और बड़ौदा में छापेमार कार्यवाही की है। शिवपुर में प्राइवेट इंजीनियर द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी छापामार कार्यवाही और बड़ौदा में विद्यार्थी सेवा केंद्र की दुकान सील की गई है। शिवपुर कलेक्टर संजय कुमार को सूचना मिली थी कि नरेगा से जुड़े हुए इंजीनियर प्राइवेट लोगों से कार्य कराते हैं और इन्हीं से एस्टीमेट बनवाना और मूल्यांकन करवाने का काम करवाया जाता था। आज शिवपुर कलेक्टर के आदेश पर दो टीमों ने शिवपुर और बड़ौदा दो अलग अलग जगह पर छापा मारा गया, जिनमें लगभग 50 पंचायतों के दस्तावेज जब्त किए गए। शिवपुर कलेक्टर द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। शिवपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। मुझे आज सूचना मिली थी, किसी ने बताया था कि ये कोई द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी हैं, प्राइवेट इंजीनियर हैं श्योपुर में, पुराने रोजगार कार्यालय के पास। वो उनके पास हमारे ज़िले के तमाम ग्राम पंचायतों के जो इंजीनियर हैं और सरपंच सचिव है, जीआरएस है, वो मनरेगा से संबंधित अपने काम खुद नहीं करते हैं और इन प्राइवेट आदमी से कराते हैं, और उनके पास ढेर सारे रिकॉर्ड मिलने की संभावना है। निश्चित तौर से ये जानकारी के बाद हमने अपने तहसीलदार साहब को भेजा, और ये जो आपने MBs और उसमें मस्टर मूल्यांकन इस्टीमेट्स ये सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं, और ये सब सारे कागज़ यहाँ होने का कोई तुक नहीं है। ये एक ढंग से सुनियोजित षड्यंत्रात्मक कार्रवाई है, और अभी इसी प्रकार की एक कार्रवाई उधर बड़ौदा में भी SDM श्योपुर गए हैं, वहाँ भी एक जगह इसी प्रकार से चीज़ें मिली है। मेरा अंदाज़ा कम से कम 20-25 पंचायतों के तो है ही, और उधर बड़ौदा में भी मिले हैं। इसी प्रकार से और भी जगह पे लोग कर रहे हैं, और ये हमारे जो नरेगा के लोग हैं उनका दोष है। ये कुछ कार्रवाई ऐसी कड़ी करेंगे कि जिससे इस प्रकार की कार्रवाई ज़िले में रुक जाए।